एवरीवन, कैसे हैं आप। मैं नेहा दमायास चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं। आज की वीडियो में गाइस मैं आपको झंडू ब्रांड के जेनिस्टो टैबलेट के बारे में रिव्यू दूंगी। इसके बारे में बताऊंगी कि ये टैबलेट आपकी बॉडी को किस तरीके से फ़ायदा देती है, इसके बेनिफिट, साइड इफेक्ट, यूजेस, प्राइस और के बारे में आज अपन डिटेल में बात करेंगे, डिटेल में इसका रिव्यू करेंगे। तो गाइज झंडू ब्रांड के बारे में तो आपने सुना ही होगा, ये अपने आप में बहुत अच्छा ब्रांड है जिसके मार्केट में काफ़ी सारे प्रोडक्ट मिलते हैं। इंडिया में इनके प्रोडक्टों की बहुत ही ज़्यादा सेल होती है। ये कई अधिकतर आयुर्वेदिक प्रोडक्ट बनाता है जो कि केमिकल फ्री होते हैं, उस वजह से इनके साइड इफेक्ट बहुत ही ज़्यादा कम होते हैं, जिसके कारण लोग बाग बिना किसी कन्फ्यूजन के इनके प्रोडक्टों को परचेज कर लेते हैं। ये गाइस न केवल आयुर्वेदिक मेडिसिन बनाता है बल्कि आयुर्वेदिक ब्यूटी प्रोडक्टों का भी निर्माण करता है। आधे से ज़्यादा मार्केट इसने अपने प्रोडक्टों से घेरा हुआ है। काफ़ी सस्ते अफोर्डेबल प्रोडक्ट बनाता है। लोग बाग इस ब्रांड से बहुत अच्छे से अवगत भी हैं और इससे पहले की कई वीडियो में मैंने आपको इस ब्रांड के प्रोडक्टों का रिव्यू किया है। तो चलिए गाइस आज अपन इसी ब्रांड के जेनिस्टो टैबलेट के बारे में बात कर लेते हैं। जेनिस्टो टैबलेट गाइस जड़ी बूटियों से मिलकर बनाई गई एक आयुर्वेदिक औषधि है, आयुर्वेदिक दवा है जिसको झंडू ब्रांड द्वारा मैन्युफैक्चर किया गया है। ये औषधि मार्केट में आपको टैबलेट की फॉर्म में मिलती है जिसका उपयोग आपके हड्डियों को मजबूत प्रदान करने में किया जाता है, मजबूती देने में किया जाता है। गाइस बहुत लोग ऐसे होते हैं जिनके बॉडी के अंदर कैल्शियम की मात्रा बहुत कम पाई जाती है, तो गाइस अगर आपके बॉडी के अंदर कैल्शियम की मात्रा कम होगी तो आपकी हड्डियाँ बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर होगी, जिसके कारण आपके हाथ पैरों में दर्द होने लगेगा। तो गाइस अगर आपके हाथ पैरों में दर्द बहुत ही ज़्यादा होता है, डेली अगर आपके हाथ पैरों में दर्द होता है, तो समझ लीजिए आपके बॉडी के अंदर कैल्शियम की कमी है, जिसके कारण आपकी हड्डियाँ बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो गई हैं। तो हड्डियों को मजबूत बनाने के लिए आप ये जेनिस्टो टैबलेट मार्केट से लेके आ सकते हैं, जो आपकी हड्डियों को मजबूती प्रदान करेगी। गाइस ये कैल्शियम का बहुत अच्छा सोर्स है जो आपके बॉडी के अंदर कैल्शियम की मात्रा को की पूर्ति करने का काम करता है। इसके अंदर जो इंग्रेडिएंट मिलाए जाते हैं, सारे औषधीय तत्व मिलाए जाते हैं, सारे प्राकृतिक तत्व मिलाए जाते हैं जो आपको किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं पहुँचाते हैं। तो चलिए अपन इसके इंग्रेडिएंट के बारे में बात कर लेते हैं कि इसके अंदर क्या क्या मिला होता है। इसके अंदर गाइस इंग्रेडिएंट के रूप में जातिफल रस, मुक्तासुक्ति भस्म, मेथी और अश्वगंधा ये बराबर मात्रा में पाए जाते हैं, जो आपके हड्डियों की कमजोरी को दूर करने का काम करते हैं और कैल्शियम की मात्रा को बॉडी के अंदर बढ़ाने का काम करते हैं। गाइस अगर कैल्शियम की मात्रा बॉडी के अंदर कम होगी तब भी आपकी बॉडी को कोई भी नुकसान हो सकता है, अगर कैल्शियम की मात्रा ज़्यादा भी होती है तब भी आपकी बॉडी को नुकसान हो सकता है। इसीलिए बॉडी के अंदर प्रॉपर मात्रा में जो मात्रा कैल्शियम की होनी चाहिए उतनी होनी चाहिए, उससे ज़्यादा कैल्शियम का बॉडी के अंदर कैल्शियम नुकसानदायक भी होती है। पर कैल्शियम की मात्रा अगर आपकी बॉडी के अंदर कम होती है तो आपकी हड्डियाँ बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो जाती हैं, जिसके कारण आपके हाथ पैरों में बहुत ही ज़्यादा दर्द होता है। हड्डियों की कमजोरी या फिर हड्डियों में दर्द अगर आपके है तो समझ लीजिए कैल्शियम बहुत ही कम मात्रा में है। तो कैल्शियम की मात्रा को बढ़ाने के लिए आप जेनिस्टो टैबलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो आपकी हड्डियों को मजबूती प्रदान करने का काम करते हैं और हड्डियों के दर्द को ख़त्म करने का काम करते हैं। और गाइस इसकी जो खुराक है आप इसको दिन में दो बार ले सकते हैं खाना खाने के बाद, या फिर आप डॉक्टर की सलाह से भी इसकी खुराक को निर्धारित कर सकते हैं। गाइस अगर आप पहले से किसी बीमारी से सफ़र कर रहे हैं या पहले से किसी दवा का इस्तेमाल कर रहे हैं तो इस औषधि को लेने से पहले आप डॉक्टर की सलाह जरूर लें कि आप इसको ले सकते हैं या नहीं ले सकते, क्योंकि गाइस हर किसी की बॉडी की स्थिति अलग अलग होती है, मेडिकल स्थिति अलग अलग होती है, किसी को फ़ायदा देती है तो किसी को नुकसान भी कर सकती है। इसलिए डॉक्टर की सलाह के बिना किसी भी दवा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, चाहे वो होम्योपैथिक हो या फिर एलोपैथिक। हालांकि आयुर्वेदिक दवाओं के साइड इफेक्ट बहुत ही ज़्यादा कम होते हैं लेकिन होते जरूर हैं, इसीलिए डॉक्टर की सलाह के बिना किसी भी दवा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। खासतौर से गर्भवती महिला को तो किसी भी कंडीशन में डॉक्टर की सलाह के बिना कोई भी दवा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि कुछ औषधियों में हैवी मेटल्स प्रेजेंट होते हैं जो आपकी बॉडी को कोई भी हानिकारक साइड इफेक्ट दे सकते हैं, इसलिए डॉक्टर की सलाह के बिना किसी भी दवा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए और खुराक से ज़्यादा मात्रा में भी नहीं लेनी चाहिए। अगर आप खुराक से ज़्यादा मात्रा में सेवन करते हैं या फिर आप डॉक्टर की सलाह के बिना भी सेवन करते हैं तो आपकी बॉडी को कोई भी हानिकारक साइड इफेक्ट इसका हो सकता है। तो इस चीज़ का विशेष रूप से ध्यान रखें कि डॉक्टर की सलाह के बिना इसका बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। आप बोलेंगे कि इसको हम कहाँ से खरीदें, तो किसी भी आयुर्वेदिक मेडिकल शॉप से इसको परचेज कर सकते हैं या फिर आप ऑनलाइन भी इसकी साइट से इसको खरीद सकते हैं। जैसे आपको सही लगे, सस्ता अफोर्डेबल लगे, वहाँ से आप इसको खरीद सकते हैं, वो आपकी चॉइस है। मैं तो कहीं से आपको ऑनलाइन खरीदने के लिए सजेस्ट करूँगी, क्योंकि ऑनलाइन ही आपको काफ़ी अच्छे डिस्काउंट में मिल जाती है। और अच्छे डिस्काउंट में मिल जाने के अलावा गाइस ऑफ़र भी जब अच्छे अच्छे आते हैं तो बहुत ही बढ़िया डिस्काउंट में ये औषधि आपको मिल जाती है। यही औषधि नहीं, कई प्रकार की औषधियाँ हैं जो आपको अच्छे डिस्काउंट में मिल जाती हैं।
सो गाइस आज की वीडियो में बस आपको इतना ही बताना चाहूंगी, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, फ्रेंडों के साथ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आपको हमारे नए नए वीडियो की अपडेट मिलती रहे, नई नई जानकारियाँ मिलती रहे। और गाइस बेल आइकन पर जरूर प्रेस कीजिए, जिससे जो भी हम वीडियो डालते हैं वो टाइम टू टाइम आपके पास पहुँचती रहे और उस प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग आपका कन्फ्यूजन दूर होता रहे। फिर भी गाइस अगर आपको इस प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग या किसी अदर प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग कोई भी जानकारी जाननी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हैं, हम आपके लिए हमेशा अवेलेबल रहेंगे, आपकी सहायता जरूर करेंगे। सो गाइस चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए, रामबाड़ औषधि लिया ये जो आपके हड्डियों की कमजोरी को दूर करने का काम करेगी, और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।